इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त। 81 नगर पालिका में 54 पर बीजेपी आगे। पालिका की 288 सीटों पर बीजेपी आगे। कांग्रेस को 48 सीट पर बढ़त। गुजरात की 31 जिला पंचायतों में 15 पर बीजेपी को फिलहाल लीड। बीजेपी 231 तालुका पर 51 पर आगे चल रही है। गुजरात में कुल 81 नगर पालिका, 31 जिला पंचायत और 231 तालुका पंचायत के लिए आएंगे नतीजे। वलसाड के उमरगांव नगर पालिका में 8 सीट पर बीजेपी आगे। मुंबई में बीकेसी कोविड सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा। वैक्सीनेशन लगाने हजारों लोग पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी जमकर धज्जियां। बीकेसी कोविड सेंटर पहुंचे लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न होने की शिकायत की। कई लोग सुबह 5 बजे से ही पहुंचे। व्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी। मुंबई पुलिस ने लोगों से बीकेसी कोविड सेंटर के बाहर भीड़ ना जमा करने को कहा। माइक के जरिए किया जा रहा है लगातार अनाउंसमेंट। गणेश अंगार की चतुर्थी पर मुंबई के श्री सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर से ही भक्तों ने लगाए बप्पा के जयकारे। दर्शन किए मंदिर में सिर्फ पहले से जारी QR कोड पर ही दर्शन की अनुमति। पुणे के दगड़ूशेठ गणपति मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद। मंदिर के बाहर श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला। कोरोना के कारण मध्य प्रदेश के खंडवा के बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 12,286 नए केस। 91 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 1,68,000। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। सुबह गांधी अस्पताल में कराया वैक्सीनेशन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। चेन्नई में लगवाई वैक्सीन। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कोरोना का पहला डोज लिया। डॉक्टर नरेश त्रिहान के नेतृत्व में डॉक्टर्स की टीम ने लगाई वैक्सीन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कोरोना का टीका लगवाया। कहा वैक्सीन लगाने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस किया। NCP चीफ शरद पवार ने लगवाया कोरोना का टीका। मुंबई के JJ अस्पताल में ली वैक्सीन। बेंगलुरु से आई अच्छी तस्वीर। 97 साल के बुजुर्ग ने वैक्सीन का पहला शॉट लिया। वैक्सीनेशन के सेकेंड राउंड के पहले दिन 4,27,00,000 लोगों ने लगाया टीका। सोमवार को 25 लाख लोगों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। देश में अब तक 1,47,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन। करीब 67 लाख हेल्थ वर्कर्स की पहली डोज। 25 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को लगी है दूसरी डोज। महाराष्ट्र और केरल समेत 6 राज्यों में कोरोना केस में बढ़ोतरी दर्ज। 24 घंटे में 87% केस इन्हीं राज्यों से आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,397 नए मामले। 24 घंटे में 30 मरीजों की जान गई। मुंबई के वर्ली में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। पब में बिना मास्क के दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। लखनऊ में फिर धारा 144 लागू। कोरोना के साथ होली, महाशिवरात्रि, शबे बारात और दूसरे त्योहारों को देखते हुए फैसला। दिल्ली में कोरोना के 175 नए केस की पुष्टि। एक मरीज की जान गई। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पीरजादाबाद सिद्दीकी के साथ गठबंधन पर उठाए सवाल। पार्टी की विचारधारा के बताया खिलाफ। आनंद शर्मा ने कहा इंडियन सेक्युलर लीग की मौजूदगी में अधीर रंजन चौधरी का रैली में शामिल होना शर्मनाक। अपना रुख साफ करने को कहा। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर कहा आनंद शर्मा पार्टी लाइन से अलग अपनी राय बनाने से बचे। PM मोदी का गुणगान बंद करने को कहा। कांग्रेस में गतिरोध बरकरार। G23 जम्मू के बाद हरियाणा में रैली करने की तैयारी। कुरुक्षेत्र में कर सकते हैं अगला कार्यक्रम। G23 और गुलाम नबी आजाद के PM की तारीफ से भड़के जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ गुलाम अहमद मीर। आजाद के खिलाफ शिकायत करने दिल्ली आए मीर। कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में महिलाओं के खिलाफ रेप के मामले पर पूछा सवाल। कहा जब बंगाल की बेटी मुख्यमंत्री है तो फिर बंगाल के अंदर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं। कैलाश विजयवर्गीय का दावा। सुनार बांग्ला का अपना सपना साकार करेगी BJP। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर लगाम लगाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले बंगाल में उत्तर कोरिया के किम जोंग जैसा तंत्र चल रहा है। बंगाल चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट का महामंथन। कोलकाता में की बैठक। बंगाल चुनाव की रणनीति पर ओवैसी ने साधी चुप्पी। बोले सही समय पर आने पर दूंगा जवाब। आज बंगाल के चुनावी दंगल में उतरेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। मालदा में रैली को संबोधित करेंगे, रोड शो करेंगे। TMC नेता फरहाद हाकिम पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप। BJP ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर करवाई कार्रवाई की अपील की। RJD नेता तेजस्वी यादव ने किया TMC का समर्थन। नबन्ना में CM ममता बनर्जी से मिले तेजस्वी। तेजस्वी से मिलने के बाद बोली ममता बनर्जी चुनाव आयोग का कंट्रोल BJP के हाथों में नहीं चाहते। ममता बनर्जी ने कहा BJP को बंगाल में कुछ नहीं मिलने वाला, बिहार में भी नहीं टिकेगी सरकार। तेजस्वी ने ममता को जिताने की बात कही। बोले BJP ने देश के लोगों को ठगने का किया काम। बंगाली एक्ट्रेस श्रावंती चटर्जी ने BJP का थामा दामन। कोलकाता में पार्टी में हुई शामिल। प्रियंका गांधी वाड्रा के असम दौरे का आज दूसरा दिन। कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत।
असम में प्रियंका ने सीए का मुद्दा उठाया, कहा बीजेपी के पास असम में सीए के बारे में बात करने का साहस नहीं। असम के गोहपुर में प्रियंका ने महंगाई रोजगार का मुद्दा उठाया, कहा 25 लाख दूर 1 लाख लोगों को भी नहीं मिला रोजगार। कन्याकुमारी में राहुल का पीएम पर निशाना, कहा पीएम मोदी के मन में तमिल लोगों के लिए सम्मान नहीं। कन्याकुमारी में राहुल का दिखा अनोखा अंदाज, एक खिलाड़ी के साथ पुशअप्स किए, एक हाथ से भी पुशअप करते नजर आए। राहुल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक, बोले चुनाव सत्ता और वोट के लिए देश को बांट दिया। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई, पृथ्वीराज चव्हाण को बनाया गया अध्यक्ष। तमिलनाडु में चुनाव लड़ेगी ओबीसी की पार्टी, कहा गुजरात राजस्थान उत्तर प्रदेश में भी पार्टी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा के बजट सत्र में पेश होगा धर्म स्वतंत्र बिल, राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा संशोधन के साथ पेश करेंगे धर्म स्वतंत्र बिल। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर के मुख्य सलाहकार बने प्रशांत किशोर, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। शारदा घोटाले में टीएमसी नेता कुणाल घोष को ईडी का नोटिस, 2 मार्च से पहले पेशी का आदेश। मुख्तार अंसारी को वापस यूपी भेजने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, यूपी सरकार ने दी है अर्जी। फिलहाल पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार। रसोई गैस के बाद सीएनजी और पीएनजी के भी बढ़े दाम, सीएनजी के दामों में प्रति किलो 70 पैसे की बढ़ोतरी, पीएनजी की कीमत में 91 पैसे का इजाफा। दिल्ली में सीएनजी अब 43.40 रुपए प्रति किलो मिलेगी, नोएडा और गाजियाबाद में 49.08 रुपए प्रति किलो में मिलेगी, नई कीमतें आज से हुई लागू। एक महीने में चौथी बार एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 25 रुपए बढ़ी, दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 819 रुपए। किसान आंदोलन पर चुप्पी को लेकर राकेश टिकैत ने साधा निशाना, कहा केंद्र किसानों के खिलाफ कोई कदम उठाने की योजना बना रहा है। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह के घर का घेराव किया, कृषि कानून का किया विरोध। 7 मार्च को मेरठ में किसानों की बड़ी पंचायत, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा किसानों को गुमराह करने से अगले लोकसभा चुनाव में और कम सीटें आएंगी। किसान आंदोलन के बीच बोले पीएम मोदी फसलों को बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं किसान, देश में फूड प्रोसेसिंग क्रांति की जरूरत। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वालों को बड़ी राहत, पुलिस ने एक तरफ से खोला रास्ता, 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद बंद था रास्ता। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रास्ता अब भी बंद, दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता खोला गया। 1 अप्रैल से 28 फरवरी 2021 तक भारतीय रेलवे ने 110 करोड़ टन माल ढोया। रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। भारतीय नौसेना को मिले 3rd स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, 10 मार्च को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल होगी INS करंज। चुनाव कॉप्स के GOC लेफ्टिनेंट जनरल BF राजू का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य, पथराव जैसी घटनाओं में भारी कमी। पिछले साल मुंबई में हुए ब्लैकआउट मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, चीन पर साइबर अटैक का शक, महाराष्ट्र सरकार ने दी जानकारी। मौसम विभाग ने इस साल उत्तर भारत में भीषण गर्मी की भविष्यवाणी की, दक्षिण और मध्य भारत में सामान्य से कम रहेगा तापमान। उत्तराखंड में गैरसैंण के पास सड़क चौड़ी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में छेड़छाड़ की पुरानी रंजिश में मर्डर, आरोपियों ने लड़की के पिता को सरेआम गोलियों से भुना, पुलिस ने 4 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार किया। हाथरस में 2018 में आरोपी पर छेड़छाड़ कर दर्ज हुआ था मुकदमा, 1 महीने जेल में रहने के बाद आरोपी बाहर आया था। सीएम योगी ने हाथरस की घटना में कठोरतम कार्रवाई के दिए आदेश, वारदात में शामिल आरोपियों पर रासुका लगाने के निर्देश। दिल्ली के नांगलोई इलाके में 2 जगहों पर गैंग वॉर, 2 गुटों में गैंग वॉर, 2 लोगों की हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पहली वारदात में जेल से पैरोल पर आए बदमाश मोहम्मद इकराम ने जाकिर नाम के एक शख्स की हत्या की, दूसरे गुट ने मोहम्मद इकराम के एक रिश्तेदार का मर्डर किया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर, पुलिस ने एक सीरियल रेपिस्ट को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया, नौकर पर डरा धमका कर कई महीनों से बलात्कार करने का आरोप, परेशान होकर घर छोड़कर दतिया चली गई थी पीड़ित। कानपुर के विक्रुकांच में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, विकास दुबे की फरारी में 7 मददगार गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा और गैंगस्टर का मोबाइल बरामद। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप में चोरी की गुत्थी, पुलिस ने सुलझाई, 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, चोरी के जेवरात बरामद। दिल्ली के साकेत इलाके में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे के बाद हंगामा, 1 युवक की मौत के बाद लोगों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़, पुलिस ने कराया मामला शांत। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में एक्टिव हुआ माउंट सिनबंग ज्वालामुखी, आसमान में उगल रहा है लावा।
ज्वालामुखी के कारण अभी तक इंडोनेशिया में हवाई सेवा पर कोई असर नहीं। अधिकारियों ने ज्वालामुखी के 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों को न जाने की सलाह दी। म्यांमार के शहर दावेई में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कल दावेई में पुलिस फायरिंग में हुई थी 5 लोगों की मौत। चीन जमीन के अंदर से नई परमाणु मिसाइल छोड़ने की तैयारी में। नए सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर अमेरिकी एक्सपर्ट ने किया दावा। आर्मेनिया की राजधानी में विपक्ष का बड़ा विरोध प्रदर्शन। रैली में लाखों लोग शामिल। पीएम का मांगा इस्तीफा। अमेरिका में अब जॉनसन एंड जॉनसन का टीका लगाने की तैयारी। 40 लाख डोज राज्यों को भेजे गए। 6 सप्ताह के लॉकडाउन के बाद खुले स्विट्जरलैंड के मार्केट। बाजारों में नजर आई चहल पहल। ब्रिटेन की महारानी ने ऑस्ट्रेलिया के एडलेड में अपनी ही प्रतिमा का किया ऑनलाइन अनावरण। लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है ये प्रतिमा। वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद SBI ने ब्याज दरों में 0.10% की कटौती की। महिलाओं को 6.7% के दर से मिलेगा 75 लाख तक का लोन। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का नया कीर्तिमान। इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स वाले बने पहले क्रिकेटर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉन ने कोहली को आधुनिक समय का हीरो बताया। नए नजरिए वाले भारत का करते हैं प्रतिनिधित्व। कुछ भी असंभव नहीं है वाली सोच। अहमदाबाद में चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने की नेट्स प्रैक्टिस। कप्तान कोहली, रोहित शर्मा, रहाणे नेट्स पर पसीना बहाते हुए नजर आए। तीसरे टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड की टीम ने कोचिंग स्टाफ में किया बड़ा बदलाव। मार्क्स ट्रिस्कोटिक बनाए गए बल्लेबाजी कोच। जॉन लुइस और जीतन पटेल बने बॉलिंग कोच। विवियन रिचर्ड्स ने भारतीय पिचों के आलोचकों को लताड़ा। कहा पिच को लेकर विलाप गैर जरूरी। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर जेम्स ट्रेडवेल का कबूलनामा। कहा अहमदाबाद के पिच में कोई कमी नहीं थी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अफरुद्दीन ने हैदराबाद में IPL मुकाबलों के आयोजन का समर्थन किया। मेजबानी करने वाले शहरों में हैदराबाद का नाम शामिल नहीं। विजय हजारे ट्रॉफी में शार्दुल ठाकुर ने खेली 57 गेंद पर 92 रन की तूफानी पारी। मुंबई की टीम ने हिमाचल प्रदेश की टीम को 200 रनों से हराया। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच 310वें सप्ताह में बने दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर की रिकॉर्ड बराबरी की। अमिताभ बच्चन की आंख का हुआ ऑपरेशन, जल्द ठीक होकर विकास बहल की फिल्म गुड बाय की शूटिंग शुरू करने की उम्मीद जताई। अब एक्टिंग के अलावा फिल्में भी बनाएंगी आलिया भट्ट। अपना प्रोडक्शन हाउस इटर्नल सनशाइन लॉन्च किया। हरभजन सिंह की नई फिल्म फ्रेंडशिप का ट्रेलर रिलीज। फैंस को पसंद आया हरभजन की फिल्म का ट्रेलर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।